12 जुलाई से शनि हो जाएंगे वक्री। कुंभ से मकर में लौटेंगे शनि। शनि की वक्री चाल पीएम मोदी के लिए कैसी रहेगी? ढैया के प्रभाव में पीएम मोदी क्या करेंगे? शनि के 6 महीने पीएम मोदी के कैसे बीतेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। और इनकी कुंडली हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 29 अप्रैल से शनि के इस महागोचर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शनि की ढैया की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब इस 12 जुलाई से जब शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि कुंभ से वापस मकर राशि में चले जाएंगे, तो इसका प्रभाव, वक्री शनि का ये जो प्रभाव है, तकरीबन आपके 17 जनवरी तक रहेगा। यानी कि आने वाले ये 6 महीने वक्री शनि के, और वो भी ढैया के प्रभाव में, मोदी जी के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ये जो समय है 6 महीनों का, मोदी जी को कितना परेशान कर सकता है, किन चुनौतियों को उनको सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ इस दौरान देश की राजनीति में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि की ढैया है और वो भी वक्री शनि। क्या वक्री शनि मोदी जी को एक बार फिर से संघर्ष का दौर दिखाएगा? सरकार में क्या उठापटक देखने को मिल सकती है? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। तो सबसे पहले तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, शनि, लोग यही कहते हैं मोदी की सफलता के पीछे शनि का बड़ा हाथ है, उन्हें एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री शनि ने ही बनाया है, शनि की ढैया उन पर लग चुकी है, अब वक्री शनि में कैसा रहेगा मोदी जी के लिए आने वाला समय? देखिए, बिल्कुल सही कहा कविता जी। शनि और शिव ही दो धरा पर ऐसी शक्ति हैं जो राज सुख या राज सत्ता का सुख दे सकते हैं जी। अन्य किसी प्लेनेट में, अन्य किसी ग्रह में यह शक्ति नहीं है। इसका कहने का अभिप्राय ये नहीं कि बाकी ग्रह एकदम से निष्क्रिय हैं, लेकिन यह जो विशेष शक्ति है वह इन दो ही शक्तियों में है। और शनिदेव की विशेष कृपा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर रही है या उनके ऊपर रही है, यह हम भी कह सकते हैं जी। अब देखें अगर कि उनका लग्न और राशि दोनों ही वृश्चिक है, लग्न और राशि दोनों से वह ढैया के प्रभाव में 29 अप्रैल से आ चुके हैं जी। लेकिन यहाँ पर एक देखने की बात रहेगी कि हमने कई वीडियोस में आपके साथ यह बोला है कि जब शनि स्थित रहता है कुछ शुभ घरों में, कुछ शुभता के स्थान पर, अगर शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम में नहीं है, तो इन तीन घरों को छोड़कर अगर शनि कहीं बैठ रहे हैं तो आपके लिए शुभता देंगे ही देंगे। दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं कि इनकी कुंडली में शनि की स्थिति की, इनकी कुंडली में दशम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। शुक्र वैभव का कारक है, शनिदेव जो हैं वह धर्म, अध्यात्म, त्याग, इन सब के कारक हैं, साथ ही साथ राजसत्ता, राजसुख के कारक शनिदेव हैं। यहाँ पर यह पूरा जो शुरुआत है अप्रैल के बाद के जो ढैया का प्रभाव है इनकी कुंडली पर कविता जी, वह देखने को मिला है कि अप्रैल से जुलाई तक इनकी जो मनोस्थिति है वह थोड़ा सा ज़्यादा, कई ज्वलंत मुद्दों पर इनकी सोच आक्रामक है, लेकिन अभी अपने आप को इन्होंने दबाया हुआ है, संकुचित किया हुआ है और अपने क्रोध को अभी नियंत्रित किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर क्रोध जो शब्द आएगा तो क्रोध जरूरी नहीं कि आक्रामकता से ही दिखे। जो एक त्यागी पुरुष है, जो एक सन्यासी जीवन का जीने वाला पुरुष है, उसका जो क्रोध होता है वह सकारात्मकता में दिखता है, सकारात्मक बदलाव में दिखता है जी। अब हम बात करें कि वक्री अवस्था में शनिदेव की ढैया में कैसा फल इनकी कुंडली को मिलेगा। उस फल को जानने से पहले दो चीज़ों को विशेष ध्यान देना है हमें कि शनि और शुक्र की स्थिति दशम भाव में, साथ ही साथ सूर्य और केतु की स्थिति एकादश भाव में, यह दो घर जो हैं इनके लिए अद्भुत इस समय निर्णय ले आएंगे। इस बीच जो जुलाई से लेकर जनवरी तक का जो समय सीमा है कविता जी, इस बीच देखने को मिलेगा कि कुछ बड़े ज्वलंत और कठोर मुद्दों पर
इनका निर्णय बहुत कठोर हो और बहुत सुदृढ़ता से आए, यह किसी के भी दबाव में झुके ना और ना ही उसको परिवर्तित करें। हो सकता है कि इस बीच बहुत से निर्णय ऐसे हैं जो हमें, आपको या आम जनमानस को, या जो सनातन से जुड़ा हुआ है या देशभक्ति से जुड़ा हुआ, जिसको राष्ट्र प्रेम है, वह इंतजार कर रहा है और उन मुद्दों पर कुछ एक बार फिर से गर्मजोशी और सरकार की सकारात्मक सोच और पहल आपको देखने को मिल जाए इस ढैया के प्रभाव में। कविता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, देखिए ये तो आपने बता दिया कि जो ऐतिहासिक बिल जिसकी उम्मीद अभी जनता लगाए बैठी हुई है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक देश, मतलब तमाम ऐसे बिल्स हैं, तो ये तो देखिए ये हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पड़ोसी मुल्कों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से अगर कोई हमला होता है, बात पाकिस्तान की करें, चीन को लेके करें, और जिस तरह से सीमा पर विवाद रहा है, क्या जैसे लोग कहते हैं कि 2022 और ये जो 23 का समय है इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है भारत के उसके दुश्मन देशों के साथ संबंधों को लेकर, खासकर पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि वहाँ इस वक्त उथल पुथल मची हुई है पाकिस्तान की सत्ता पे। आपने देखा शहबाज शरीफ आ गए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कुछ ऐसा देखने को दोबारा मिल सकता है? किसी भी राष्ट्र की कुंडली, उसके राष्ट्र के सर्वोच्च नेता या उसके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शीर्ष नेता के प्रभाव से देखी जाती है। यानी कि कह लें कि अगर राज की सुख देखना है तो राजा की कुंडली देख लीजिए तो पता चल जाएगा। मोदी तो जी की कुंडली, उसी तरीके से हम मोदी जी की कुंडली से हम यह चीज बोलना चाहेंगे कि जो स्थिति इनकी कुंडली की ग्रहीय दृष्टिकोण से है, आंखों में गर्मजोशी हो सकती है, दिखावा हो सकता है दोनों तरफ से, लेकिन कोई भी इनके सामने आंख उठाकर कुछ उद्दंडता करने की निर्णय नहीं लेगा कोई भी राष्ट्र। अब दूसरी बात आती है कि हमने वही चीज़ कहा आपको कि यह जो 5 से 6 महीने का वक्री पीरियड है, इसमें शनिदेव इनके व्यवहार को और इनके प्रभाव को और तेज कर देंगे। अभी कुछ मुद्दों पर जो ये थोड़ा सा सहम रहे थे, संभल रहे थे, या कह लें कि इंतजार कर रहे थे सही समय का, कह लें कि वह सही समय यह 5 महीने वक्री अवस्था में है, क्योंकि हमने आपको कहा है पहले भी कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो उनकी दंड प्रणाली जो है वह और कठोर और स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एक और बात कहूँ कि क्यों मोदी जी की कुंडली पर शनिदेव के सीधा प्रभाव को हम अप्लीकेबल कर रहे हैं, क्यों लागू कर रहे हैं, उसका एक नियम है कि यहाँ पर हम आदरणीय मोदी जी की कुंडली को एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में, या हमारे भारतवर्ष के राष्ट्र के नेतृत्व के रूप में, एक राजा के रूप में हम उसकी गणना कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो जिस पद पर यह बैठे हुए हैं वहाँ उनको निर्णय लेना और अपने राष्ट्र के हित के लिए निर्णय लेने का एक जिम्मेदार पुरुष के रूप में, या एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में, या जिम्मेदार राजा के रूप में इनकी कुंडली को देखा जा रहा है। तो वहाँ पर जिस पद पर यह बैठे हुए हैं वहाँ भी उनका रोल एक न्यायाधीश का ही आ जाती है भूमिका, कि जो वह देखें अपने राष्ट्र हित के लिए उचित हो वही निर्णय वो लें। तो जाहिर सी बात है एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के प्रभाव से प्रभावित होगा ही होगा कविता जी। तो इसलिए वक्री अवस्था में शनिदेव का जो प्रभाव है वह नरेंद्र मोदी की कुंडली को और बल देगा, मजबूती देगा, इनके निर्णय में कठोरता देगा, और कुछ बड़े फैसले आप देखें, जैसा कि आपने कई चीज़ों का जिक्र किया, उनमें से कुछ न कुछ हमें ज़रूर गर्मजोशी के साथ देखने को मिलेगा, जो कि शायद हम हर सनातनी उसका स्वागत करेगा। जैसे कि आपने बताया कि इनके निर्णयों में हम कठोरता देखेंगे, बहुत ही हार्ड फैसले ये ले सकते हैं, ऐसे में इनके नेतृत्व में देश की विदेश नीति पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए आप अमेरिका की बात ले लीजिए, जिस तरह से अमेरिका आग दिखा रहा है कि भाई आप हमसे ही तेल खरीदिए, उधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, तो जो पड़ोसी मुल्क जो हैं, सात समुद्र पार मुल्क जो हैं, जो भारत से उम्मीद भी करते हैं लेकिन भारत को दबाने की भी कोशिश करते, क्या लगता है मोदी जी उनके आगे क्या दबेंगे? देखिए दो चीज़ें आपको बता दें कविता जी, विदेश का या विदेश नीति का जो योग कारक ग्रह है वह राहु और शुक्र है, शुक्र शनि के साथ इनके दशम भाव में बैठा हुआ है,
और जो राहु की स्थिति है वह इनके लग्न चार्ट में पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान भाव होता है, लेकिन अब जिस पद पर यह बैठे हैं, भारतवर्ष की हर एक जनता, हर एक इंसान इनके संतान के सम्मुख हम अब तुलना करेंगे, तो उस लिहाज से अगर देखें तो राहु और शुक्र दोनों इनको अद्भुत बल दे रहा है शनि के साथ बैठकर, तो ये किसी के सामने झुकेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि यह वक्री पीरियड जो है वह बड़े बड़े जो नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय देशों के जो नेता हैं, उनके लिए देखा जाएगा कि बहुत आसानी से इनके प्रभाव में आ जाएंगे और शायद इनके और करीब हो जाएं जो आज इनसे सबसे ज़्यादा दूरी बना के रखे हुए हैं। कविता जी, जाते जाते बस क्या लगता है देश की जनता के लिए मोदी जी के ये ढैया के जो 6 महीने हैं कैसे रहेंगे, मतलब देश को क्या कुछ बड़ा लाभ इस दौरान देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम 6 महीने ढैया के प्रभाव के लिए देखें कविता जी, तो आदरणीय मोदी जी के लिए हो सकता है कि यह मानसिक तनाव देकर जाए, क्योंकि उनको निर्णय लेना है और वह क्षमता उनको अपने अंदर लानी है। लेकिन राष्ट्रहित के लिए यह 6 महीने बहुत ही शुभ हैं। इस 6 महीने में कुछ बड़े निर्णय, बड़े राष्ट्रहित के फैसले माननीय मोदी जी से लिए जा सकते हैं और यह हम सब के सामने आएगा, देखिएगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने ये जाना कि आने वाले 6 महीने 12 जुलाई के बाद का जो समय है वक्री शनि किस प्रकार से अपनी ढैया के दौरान मोदी जी के लिए कैसा आगे का समय ला रहे हैं। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।